हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप 21 और 22 पास आउट हो तो जायकोस की तरफ से आ रही है सैलरी पैकेज आपका 4 LPA होने वाला है, और इसमें पर्टिकुलरली इंजीनियर बैकग्राउंड वाले ही एलिजिबल होने वाले हैं, बीटेक वाले, एमटेक वाले नहीं, बीटेक वाले, ठीक है। तो अगर आप किसी और ब्रांच बैच से हो या तो किसी भी और जो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर में किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो, चाहे ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट आई हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पे ना बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, चाहे ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट हो, ठीक है। तो एक बार हमारे चैनल पर आप गो थ्रू जरूर होना। किसी भी कंपनी से रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट है तो इवन मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, कैप जेमिनी हो, कोग्निजेंट, विप्रो, जो हो, एसेंचर, इंफोसिस, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट होगा ना उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये जायकोस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की गई है, ठीक है। रोल की अगर हम बात करें तो ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोकेशन आपकी होने वाली है मुंबई की, और यहाँ पे कंपनी के बारे में मेंशन किया हुआ है कि क्या काम करती है, कब से बिल्ड है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। जैसे हमने बताया ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होने वाली है, लोकेशन आपकी 2-3 है यहाँ पर, बेंगलोर, मुंबई और पुणे, और फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और IT, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके लिए पढ़ के सुना देता हूँ। 0 से 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सपोर्ट में तो अप्लाई कर सकते हो, और इंजीनियर बैकग्राउंड से हो 21 और 22 पास आउट अप्लाई कर सकते हो। अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए आपकी SQL, MySQL, Oracle, देन पोस्ट ग्रेजुएट SQL, ठीक है, लिनक्स और प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर नॉलेज है तब भी आपके लिए एडवांटेज है। Salesforce और जीरा की नॉलेज होगी आपके लिए एडवांटेज है। उसके अलावा जावा, लिनक्स, RDBMS के नॉलेज है तो एडवांटेज है। और इसके अलावा अगर आपके पास लिनक्स का कोई सर्टिफिकेशन है, जावा का कोई सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो आपके लिए एडवांटेज होने वाला है। तो मैंने आपको जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे मेंशन है सब पढ़ के सुना दिया। और मैंने स्टार्ट में भी बोला अगर आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, 21 और 20 पास आउट हो और ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो अप्लाई कर देना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नड़ा तक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।